सबसे पहले तो आप सबको मेरा राम राम नमस्कार। कभी भी अगर कोई स्टूडेंट किसी भी कंट्री में वीज़ा फाइल करने की बात करता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आता है कि कितना पैसा लगेगा, क्योंकि एक राउंड फिगर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी को लेके पूरी की पूरी वीडियो आज इसी के ऊपर बेस्ड रहेगी। तो सबसे पहले जो सवाल निकल के आते हैं कि आप ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं, आप कौन से कोर्स के लिए आ रहे हैं यूके के अंदर, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं तो वो सबसे बड़ी मूर्खता होगी आपके लिए, क्योंकि 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, 1 साल की फीस आपकी अराउंड मान के चलें तो 8 से 10 लाख होगी, तो 3 साल की आपकी हो जाएगी 30 लाख। अगर आपको ग्रेजुएशन के लिए जाना है तो आप कैनेडा जाइए, वहाँ पर आपको 1 साल का डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा, आप उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यूके आना है तो आप मास्टर्स के लिए आइए, दिल खोल के आइए, 1 साल की मास्टर्स होगी, 2 साल का वर्क परमिट होगा और पूरी की पूरी 1 साल की पढ़ाई टोटल असाइनमेंट बेस्ड होंगी, यूनिट बेस्ड होंगी, ठीक है। तो उस पर आप यहाँ पर आ सकते हैं मास्टर्स के लिए ना, वो काफ़ी बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले क्या रहता है कि आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, आपका कोर्स सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से कोर्स के लिए आना है, ठीक है। जब भी आप कोर्स सिलेक्ट करोगे आपको एक बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि आपके कोर्स की रिलेवेंसी, जो आपकी पास्ट स्टडी है, अब मान लीजिए कि आपने इंडिया में बीए किया, बैचलर इन आर्ट्स किया, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ले सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट ले सकते हैं, या इंडिया में आपने होटल मैनेजमेंट किया, आप इवेंट मैनेजमेंट ले सकते हैं, या फिर टूरिज्म से रिलेटेड कोई भी कोर्स ले सकते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो गया, आपका कोर्स सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप निकल के आता है वो आता है ऑफर लेटर के लिए। तो जब अपन ऑफर लेटर के लिए जाते हैं तो उसकी फ़ीस कुछ भी नहीं रहती। आप अगर यूनिवर्सिटी आपके एजेंट अप्लाई कर रहा है या आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफर लेटर की फ़ीस रहती है 0, क्योंकि वो टोटली होता ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आपका ऑफर लेटर वो आएगा अराउंड 15 से 20 दिन में भी आ सकता है, 1 हफ्ते में भी आ सकता है, और ऑफर लेटर आने में 1 महीना भी लग सकता है, ठीक है। ऑफर लेटर आने के बाद उसके ऊपर आपका पूरा का पूरा मेंशन होगा कि आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, आपका कितना पाउंड्स आपका जो फीस रहने वाला वो आपको पे करना पड़ेगा। आप इसमें चाहे तो 65% आप जो फीस भर सकते हैं, मान लें आपकी 10 लाख रुपए फीस है तो आप उसमें 6,50,000 रुपये आप पहले साल में फ़ीस भर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप फुल फीस पे करके आना चाहते हैं, अगर आप फुल फीस पे करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होता है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है 1500 से 2000 पाउंड की। तो अब जैसे मैंने मेरी फ़ीस पे की थी तो मेरी फ़ीस थी अराउंड 14 लाख के आसपास, तो मैंने जो फुल पे किया था तो मेरे को 12.5 पे करना पड़ा, ठीक है। तो 12.5 पे करने के बाद भी आपको यहाँ आने के बाद में 300 से 400 पाउंड मिल जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी जाओगे तो वो आपके अकाउंट में दिखा देगा कि आपका इतना बैलेंस पेंडिंग है। तो आपको 12-1 लाख रुपये मेरी जो फीस पड़ी थी वो इतनी पड़ गई थी, ठीक है। उसके बाद में जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो आपको इंटरव्यू का एक मेल आएगा बकायदा आपके मेल पे, उसमें ऑप्शंस होंगे येस का, नो का और मे बी का, ठीक है। आप येस करके आप उस इंटरव्यू की डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो उसी दिन ही इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बिल्कुल हार्ड नहीं होता है, बहुत ही लाइक नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, आपकी स्टडी से रिलेटेड होते हैं, आपने जो कोर्स लिया है, क्यों लिया है और आपकी फ़ीस कितनी है, आपके मॉड्यूल्स कितने हैं, ये पूरा का पूरा इंटरव्यू का सेक्शन रहता है जिसका चार्जेस लगता है 0। उसके बाद में जब आपका इंटरव्यू सक्सेस हो जाता है वो आपको इंटरव्यू के बाद में ही बता देंगे कि दैट यू हैव पास्ड योर इंटरव्यू, या फिर वो आपको नेक्स्ट डे बता देंगे और उसका बकायदा आपको मेल भी आ जाएगा कि आपने इंटरव्यू पास कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस बढ़ता है वो होता है कैश लेटर के लिए। तो कैश लेटर का आपका लग जाता है 20 से 25 दिन लग जाते हैं, आपको 1 महीना भी लग जाता है कैश लेटर आने के लिए ना, तो मेरा 26 से 27 दिन में मेरा कैश लेटर आराम से आ गया था, ठीक है। तो आपका ऑफर लेटर हो गया, आपकी फ़ीस हो गई, आपका कैश लेटर भी हो गया, ठीक है। तो अभी इस टाइम पर क्या है कि आपका इंटरव्यू भी हो चुका है, ठीक है। तो आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस था यूनिवर्सिटी का वो प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, अब आपकी फ़ाइल जाएगी एम्बेसी के अंदर, ठीक है। तो एम्बेसी में क्या रहता है फाइलिंग का प्रोसेस कि आप एम्बेसी में उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है, आपको मेडिकल चाहिए, आपको VFS के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है जिसको हम बायोमेट्रिक्स बोल देते हैं, तो उसके भी कुछ चार्जेस लगते हैं। तो अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जाते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा लगता है आपका 70 से 75 हज़ार रुपये, ठीक है। फिर अगर हम लोग जाते हैं मेडिकल के लिए तो मेडिकल का आपका 2.5 से 3 हज़ार रुपये लगता है। और एक सबसे बड़ी बात, यूके के लिए आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं, वो आपके अराउंड होंगे 12.5 से 13.5 लाख रुपए के बीच में आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे यूके के लिए, ठीक है।
और अगर आप फंड्स नहीं दिखा सकते, आप इतना पैसा नहीं दिखा सकते, तो आप किसी भी बैंक से कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको एक एजुकेशन लोन आपको वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो आप एजुकेशन लोन के लिए जा सकते हैं, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ पूरा कीजिए और आपको जो आपका एजुकेशन लोन मिल जाएगा। और आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आप फंड्स आप दिखाने जा रहे हैं यूके के अंदर, वो एटलीस्ट 28 डेज पुराने होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में फिर एक कॉस्ट निकल के आती है, वो होती है एम्बेसी फीस। तो यूके के अंदर तीन तरह की एम्बेसी फीस होती है, जैसे एक नॉर्मल होती है, एक प्रायर होती है, एक सुपर प्रायर होती है, ठीक है। नॉर्मल में आपका जो पैसा लगता है वो होता है अराउंड 36,000 के आसपास, ठीक है, जिसमें आपका अराउंड 26 से 30 दिन लगते हैं वीज़ा आने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रायर की, तो प्रायर में आपका लगेगा अराउंड 50,000 से 60,000 रुपये के बीच में, जिसमें आपका 1 वीक के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है, ठीक है। फिर अगर बात करें सुपर प्रायर की, तो सुपर प्रायर में आपका अराउंड लगता है 24 घंटे के आसपास, और जिसकी फ़ीस होती है 1 लाख रुपये, तो वो आपका 24 घंटे में आपका वीज़ा आपके हाथ में आ जाता है, ठीक है। तो ये था आज का पूरा का पूरा प्रोसेस, ऑफर लेटर से लेके आपकी वीज़ा तक का, जिसमें आपका अगर एक्सपेंस की बात करूँ तो मैं आपके 12.5 लाख रुपये आपकी फ़ीस है, 12.5 लाख रुपये आपके फंड्स हो गए, एम्बेसी फीस आपकी अराउंड 35,000 रुपये हो गए, 75,000 रुपये आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, 4,000 रुपये आपके VFS के हो गए, और 2,500 से 3,000 रुपये आपके मेडिकल के हो गए। तो ये टोटल मिला के चलें तो अगर आपके ये अराउंड 26 लाख के आसपास पड़ जाते हैं, ठीक है। इसमें 26 लाख में से अगर आप फंड्स माइनस करते हैं 12.5 लाख रुपये, तो 13.5 लाख रुपये में आपका वीज़ा आपके हाथ में आ जाता है, ठीक है। होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कीजिए। आपको कुछ भी जानना है आप मुझे मैसेज कीजिए, बकायदा आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।